गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आई डी पी इज आइसोमॉर्फिक टू ई डी पी मीन्स इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो देखिए, इसके रिलेटेड हम लोग एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, आई डी पी इज आइसोमॉर्फिक टू ई डी पी, पहले इसका स्टेटमेंट स्टेटमेंट को स्टेट करते हैं, उसके बाद समझते हैं। सो देखिए, थ्योरम है एच वन इंटू एच टू इंटू एच थ्री डट डट इंटू एच एन आइसोमॉर्फिक टू एच वन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच टू डट डट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एन। सो देखिए, ये क्या है, जो क्रॉस है इंटू है, ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए है, और जो ये सिंबल है ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए है। सो देखिए, एच वन इंटू एच टू डट डट एच एन आइसोमॉर्फिक टू एच वन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच टू अप टू एच एन। सो देखिए, इफ ए ग्रुप जी इज आई डी पी ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप। सो देखिए, जी एक इंटरनल डायरेक्ट ग्रुप डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, ये क्या है, इसका सब ग्रुप है एच वन कमा एच टू एच थ्री, क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू ई डी पी ऑफ एच वन कमा एच टू डॉट डॉट एच एन। सो देखिए, इसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले मैं पहले इसके रिलेटेड जो डेफिनेशन होता है उसको समझाती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के डेफिनेशन के बारे में जान पढ़े थे, बट उसमें टू सब ग्रुप था एच वन एंड एच टू, बट हियर एच वन एच टू अप टू एच एन एन एच सब ग्रुप है। सो इसके बेसिस में कैसे डेफिनेशन बनेगा इसको समझते हैं। सो देखिए, आई डी पी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच वन इंटू एच टू इंटू एच थ्री डॉट डॉट एच एन, वी शेयर दैट ए ग्रुप जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप एच वन इंटू एच टू डॉट डॉट एच एन। इसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, बट अभी एन एच सब ग्रुप के लिए डेफिनेशन कैसे बनेगा सो देखिए, उसका हम लोग अभी जानते हैं। सो देखिए, फर्स्ट थ्री कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन है एच वन इंटू एच टू एच थ्री ऑफ टू एच एन आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या था, जी इक्वल्स टू एच वन इंटू एच टू अप टू एच एन, सो सब ग्रुप कैन बी रिटेन एज द लार्ज ग्रुप, सो जी इक्वल्स टू एच वन इंटू एच टू डॉट डॉट एच एन इक्वल्स टू स्मॉल एच वन स्मॉल एच टू अप टू एच एन, वेयर एच आई बिलोंग्स टू कैपिटल एच आई। सो थर्ड प्रॉपर्टी था एच वन एच टू डॉट डॉट एच आई इंटरसेक्शन ऑफ एच आई प्लस वन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये थ्री कंडीशन होगा, पहले सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो उसके बाद प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग लिख पाएंगे, और उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी। ये जो थ्योरम है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसमें अब हम लोग ये थ्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो देखिए, एक एक कर हम लोग थ्री कंडीशन को प्रूफ करेंगे। सो देखिए, अभी हम लोग इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को, अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। सो देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे। सो गिवन जी बी द ग्रुप जी इक्वल्स टू एच वन इंटू एच टू अप टू एच एन आइसोमॉर्फिक टू एच वन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एन, दैट मीन्स आई डी पी इज आइसोमॉर्फिक टू ई डी पी, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। सो देखिए, आइसोमॉर्फिक को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, हम लोग लेट जी बी एनी एलिमेंट चूज करते हैं, उसको मैप के हिसाब से दिखाते हैं। सो देखिए, लेट जी बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ किसका है, ये है कैपिटल जी का। जी कोई भी एलिमेंट है जो जी में रहता है। सो देखिए, जी क्या है, आईडीपी आइसोमॉर्फिक टू ई डी पी। सो देखिए, जी कोई भी एलिमेंट है जी का। सो देखिए, जी में सपोज मैंने एलिमेंट लिया एच वन एच टू अप टू एच एन, सो
देखिए H1, H2, up to HN ये एलिमेंट है, सो ये क्या होगा, मैप करेगा किसको, ये अगर इसका एलिमेंट तो ये इसमें एलिमेंट रहता है, सो इसमें भी क्या, ये इसको मैप करेगा, सो ये किसका एलिमेंट है, EDP का, समझ गए, मतलब ये एक मैपिंग कर रहा है। सो सिमिलरली लेट G इक्वल्स टू H1 डैश H2 डैश डॉट डॉट HN, सो ये भी किसको मैप करेगा, H1 डैश H2 डैश ये सब किसके एलिमेंट है, EDP के। सो देखिए ये G हम लोग दो एलिमेंट को मैप कर रहा है, बट हम लोग देखिए अभी इसको क्लेम करेंगे, क्लेम क्या करेंगे, क्लेम करेंगे G इक्वल्स टू मीन्स H1 H2 डॉट डॉट HN इक्वल्स टू H1 डैश H2 डैश डॉट डॉट HN डैश। सो देखिए हम लोग अभी दिखाएंगे H1 H2 HN H1 डैश H2 सॉरी ये क्या है H1 H2 डॉट डॉट HN H1 डैश H2 डैश ये क्या होगा, इक्वल होगा। सो HI कॉमा HI डैश बिलोंग्स टू कैपिटल HI, हम लोग दिखाएंगे ये HI और HI डैश क्या होगा, इक्वल होगा, ये दो इक्वल होगा। देखिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाद में, बट क्लेम को हम लोग को प्रूफ करेंगे HI और HI डैश क्या है, यूनिक है, इक्वल है, इसको दिखाएंगे, बट इसका हम लोग एक सब क्लेम लेंगे। सब क्लेम में क्या दिखाएंगे, आइडेंटिटी हम लोग दिखाएंगे। सो देखिए इस क्लेम का हम लोग सब क्लेम ले रहे हैं, सब क्लेम क्या लेंगे, इफ HI बिलोंग्स टू कैपिटल HI एंड HJ बिलोंग्स टू कैपिटल HJ। देखिए I नॉट इक्वल्स टू J, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, देन HI एंड HJ इक्वल्स टू HJ इंटू HI, मीन्स ये कम्यूट कर रहा है, मीन्स कम्यूटेटर को होल्ड कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, HI HJ इक्वल्स टू HJ HI। अगर ये सब एलिमेंट इस तरफ आ जाएंगे तो इन्वर्स होंगे, ये क्या होगा, आइडेंटिटी। इसको क्लेम में क्या HI इक्वल्स टू HI डैश दिया रहा था, मतलब इक्वल बोल रहा था, बट इसका सब क्लेम लिए नहीं, दो इक्वल नहीं है, सो इसको हम लोग क्या आइडेंटिटी हो रहा है कि नहीं, इस सब क्लेम को हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ ऑफ सब क्लेम, सब क्लेम में हम लोग जो आइडेंटिटी बोल रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं देखेंगे। सो देखिए ये जो एलिमेंट है HI HJ HI इनवर्स HJ इनवर्स ये सब एलिमेंट अब हम लोग कंसिडर करेंगे। सो देखिए इसको अगर मैं इसको ऑपरेशन लगा दूं, ब्रैकेट लगा दूं, सो ये कहाँ पर रह रहा है, HJ का एलिमेंट Y, ये सब HI बिलोंग्स टू G, HI इनवर्स बिलोंग्स टू G, बट HJ क्या है, ये कैपिटल HJ का एलिमेंट है। सो देखिए ये सब ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट बिलोंग्स टू HJ, Y, सो देखिए ये किसका एलिमेंट है, ये सब बिलोंग्स कर रहे हैं HJ में, और ये एज इट इज हुआ, सो HJ HJ मतलब ये क्या है, HJ का एलिमेंट है, ये सब क्यों HJ के एलिमेंट में है, देखिए HI और HI इनवर्स बिलोंग्स टू G एंड HJ कैपिटल HJ में रह रहा है, सो देखिए दैट मीन्स ये टोटल क्या है होगा, HJ में आएगा, सो क्योंकि G HJ G इनवर्स सबसेट ऑफ HG हम लोग जानते हैं। सिमिलरली अभी हम लोग इसमें ब्रैकेट डाले थे, अभी ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इस तरफ से लगाएंगे। सो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट अभी हम लोग यहाँ से ले लिए, सो देखिए ये किसका एलिमेंट है, ये सब HI का एलिमेंट है, सो ये बिलोंग ये अगर बिलोंग्स करेगा HI का, सो स्मॉल HI और कैपिटल HI इक्वल्स टू HI होगा, कैपिटल HI होगा, बिकॉज HJ HI इनवर्स HJ इनवर्स बिलोंग्स टू HI। सो देखिए यहाँ से हम लोग को पता चल गया, ये मतलब पहले हमने देखा, अभी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस अज्यूम I ग्रेटर देन J। अब हम लोग दिखाएंगे I सपोज मतलब I ग्रेटर देन J हो रहा है, लेट X बिलोंग्स टू HJ, अगर X हमारा एलिमेंट HJ में रह रहा होगा,
सो ये भी एक्स दिस इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा और दिस इक्वल्स टू ऑल्सो एक्स हो जाएगा, मीन्स दिस एक्स इक्वल्स टू दिस एंड एक्स इक्वल्स टू दिस हो गया, बिकॉज क्यों, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच जे है, सो देखिए ई बिलोंग्स टू एच आई फॉर ऑल आई इक्वल्स टू वन टू ऑफ टू एन। सो एक्स क्या है, एलिमेंट है ई ई डॉट डॉट एक्स ई। सो ई क्या है, एच वन का एलिमेंट है, ई क्या है, एच टू का एलिमेंट है, ई एक्स क्या है, एच आई माइनस वन, देन ये किसका, इंटरसेक्शन ऑफ एच आई। सो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू ई। सो हम लोगों ने पहले दिखाया था एच आई एच जे इक्वल्स टू एच जे एच आई, ये क्या है, कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर क्यों हो गया, क्यों एक्स इक्वल टू ई हो गया, दैट मीन्स ये कम्यूटेट हो गया। सो देखिए सब क्लेम को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, अब हमारा मेन क्लेम क्या था, एच आई इक्वल्स टू एच आई डैश, उसको हम लोग दिखाएंगे, मेन प्रूफ जो है उसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे। जो मेन क्लेम हम लोगों ने एज्यूम किया था एच आई इक्वल्स टू एच आई डैश, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। सो देखिए एच वन एच टू डट डट एच एन इक्वल्स टू एच वन डैश एच टू डैश अप टू एच एन, ये हमारा मेन क्लेम था। ये किसका है, एच आई इक्वल्स टू, ये सब एलिमेंट एच आई डैश के हैं, इसको हम लोग दिखाएंगे। सो अभी हम लोग मेन प्रूफ करेंगे क्या है। सो देखिए दोनों तरफ हम लोगों ने एच इनवर्स एच एन इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ एच एन इनवर्स को मल्टीप्लाई किया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, एच एच इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ये टोटल क्या, आइडेंटिटी हो गया। सो देखिए यहाँ पर एज इट रहा, जो है एज इट इज, इसको मैंने लिखा एच एन डैश एच एन इनवर्स। सो नेक्स्ट देखिए एच वन एच टू ऑफ टू एच एन माइनस वन इक्वल्स टू, ये एच वन जो है राइट में उसको एज इट इज लिखा, उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में एच वन डैश है, इसको मैंने इस तरफ लाया तो एच वन इन्वर्स हो गया। सो देखिए लेफ्ट में जो था उसको मैंने लिखा एच वन एच टू एच थ्री अप टू एच एन माइनस वन। सो देखिए राइट में क्या बच्चा, एच वन डैश अगर मैंने लेफ्ट में लाया तो इसमें एच टू डैश एच थ्री डैश अप टू एच एन डैश एच एन इन्वर्स रहा। सो देखिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, सो देखिए पहले मैंने एच वन डैश लेफ्ट में लाया था तो एच वन इन्वर्स हो गया, सिमिलरली राइट में एच टू डैश है, अभी एच टू डैश को मैं लेफ्ट में लाऊंगी तो क्या होगा, एच टू इन्वर्स होगा। सो देखिए राइट में जो एच टू डैश था इसको मैंने इस तरफ लाया तो एच टू इन्वर्स हो गया, सो एच टू इन्वर्स इंटू जो बाकी जो भी था उसको मैंने लिखा एज इट इज लिखा। सो देखिए नेक्स्ट हम लोग एच थ्री डैश जो राइट में है उसको भी इस तरफ से ले पाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा एच थ्री इनवर्स हो जाएगा, सिमिलरली एच फोर डैश को भी लाएंगे तो क्या हो जाएगा एच थ्री इनवर्स हो जाएगा। सो इन दिस वे हम लोग ये सब करेंगे। सो देखिए एच वन इनवर्स एच वन, ये हमने एच वन इनवर्स राइट में जो ये एच वन डैश था हम लोगों ने लेफ्ट में लाया तो क्या हो गया एच वन इनवर्स एच वन हो गया, सिमिलरली एच टू इनवर्स एच टू एच थ्री ऑफ टू एच एन माइनस वन इक्वल्स टू एच थ्री डैश एच फोर डैश ऑफ टू एच एन डैश। अब हम लोग एच थ्री डैश को भी लेफ्ट में लाएंगे तो एच थ्री डैश इनवर्स हो जाएगा, इस वे से हम लोग लिख सकते हैं। सो देखिए ये अब क्या हो गया, लेफ्ट सब मतलब इस तरह का एलिमेंट, हम लोग अगर राइट से सारे एलिमेंट इस तरफ ले आएंगे सो लेफ्ट में एलिमेंट इस तरफ से सब लोग बनेगा, मीन्स ये एनथ फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे एच एन डैश एच एन इनवर्स इक्वल्स टू एच वन इनवर्स एच वन एच टू इनवर्स एच टू ऑफ टू एच एन माइनस वन इनवर्स एच एन माइनस वन, हम लोग इस तरफ से कर लिख लिख सकते हैं। सो ये किसका, ये क्या है, ये एच वन का एलिमेंट है, ये क्या है, ये एच टू का एलिमेंट है, सिमिलरली एच थ्री का एलिमेंट है, ऑफ टू ये क्या है एच एन माइनस वन का एलिमेंट है। सो
एच एन, ये क्या है? एच एन का एलिमेंट है, सो एच एन बिलोंग्स टू एच वन, एच टू, एच थ्री अप टू एच एन माइनस वन। सो ये क्या है? एच एन डैश, एच एन इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन, एच टू, एच थ्री अप टू एच एन माइनस वन, इंटरसेक्शन ऑफ, ये इस तरफ आ जाएगा, तो एच एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो एच एच एन माइनस वन और एच एन से क्या इंटरसेक्शन हो रहा है? इसमें और इसमें इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? आइडेंटिटी आ गया, मीन्स एच एन डैश एच एन इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो ये एच एन इनवर्स इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एच एन डैश इक्वल्स टू एच एन, मीन्स हमारा मेन जो क्लेम हम लोगों ने लिया था वो प्रूव हो गया। सो मेन थ्योरम, मेन जो क्लेम था अभी प्रूव हो गया। इन द सेम वे वी कैन राइट, वी कैन शो एच आई इक्वल्स टू एच आई इनवर्स, मीन्स हमारा मेन जो प्रेजेंटेशन था वो प्रूफ हो गया। दिस इम्प्लाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी एच एच वन एच टू अप टू एच एन इज यूनिक। हम लोगों ने दिखाया एच आई इक्वल्स टू एच आई इनवर्स क्या हो गया? यूनिक। सो देखिए, ये हम लोगों क्वेश्चन में क्या दिया था, मीन्स आई डी पी एच वन कमा एच वन इंटू एच टू डॉट डॉट एच एन आइसोमॉर्फिक टू एच वन इंटरनल डायरेक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एन। मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल में एक मैप होगा, वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिज्म को दिखाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता था? यहाँ पर तो हम लोगों ने दिखा दिया ये यूनिक होगा। ये अभी हम लोग को ये क्या है, एच वन एच टू अप टू एच एन, कोई भी एलिमेंट हम उन्हें ले ले लिया, ये मैप कर रहा है एच वन एच टू एच एन। ये सब एलिमेंट किसके हैं? ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। ये सब एलिमेंट के किसके हैं? एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। इसको हम लोग वेल डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले इसको वन वन हम लोग शो कर पाए कर कर सकते हैं, ऑन टू भी करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन जो प्रिजर्व होता है होमोमोर्फिज्म ऑपरेशन प्रिजर्व भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। दैट मीन्स आई डी पी इज आइसोमॉर्फिक टू ई डी पी, ये हम लोग इजीली दिखा सकते हैं। मीन्स क्या दिखा सकते हैं? आई डी पी इज आइसोमॉर्फिक टू ई डी पी। कैसे दिखाएंगे? हम लोगों ने अभी दिखाया ये यूनिक हो गया, एच आई इक्वल्स टू एच आई डैश हो गया, यूनिक हो जाएगा, और इसको वन वन ऑन टू और ऑपरेशन प्रिजर्व भी दिखा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।